अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साकिब। सबसे पहले 5W न्यूज हेडलाइंस। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज्यादा एक्सपोज किया। पार्टी का एक ही बयान है, जो नवाज शरीफ का बयान है और जो वोट को इज्जतों का बयान है। सब एक बात पे मुत्तफिक है, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप। मैंने मियां साहब के साथ जाना चाहा, मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियां साहब के साथ नहीं जाने दिया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ है। हमारी खामोशी गूंज रही है, कभी चुप रहकर कभी बोलकर हुकूमत के चेहरे से नकाब उठाया। हंगामा खेज पेशी के बाद मरियम नवाज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, मुझे यरगमाल बना रखा है कि मैं कुछ कहूं तो वहां मियां साहब को नुकसान पहुंचाएं। शहबाज शरीफ भले यहां मौजूद नहीं, मगर सबका एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। तशद्दुद में मुलव्वस होने की तरदीद, कहा गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो पत्थर मेरे सर पर लगते। पत्थर मैं लेके आई, वो पत्थर मैंने फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और अपने अपने ऊपर फेंकवाए। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगे। क्लियरली मुझे जानी नुकसान पर। इमरान खान को पहले इक्तदार में आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। हमने सह लिया, आपका क्या होगा। मरियम नवाज की हुकूमत पर एक के बाद एक लफ्जी हमले, कहा आपकी जबान से ही सुना था कि 6 माह की वार्निंग मिली है। कश्मीर का सहारा लेकर भी हुकूमत पर चढ़ाई, बोली आपके दौर में कश्मीर पर काला कानून लगाया गया, अब आप कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका, मैं फोन करता था तो मोदी फोन नहीं उठाता था। ये वही मोदी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो मियां साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान। डेरा गाजी खान कमांडेंट BMP हमजा की मेहनत से फोर्ट मिनरू रोड काफी हद तक बहाल। कमांडेंट BMP ने 50 से जायद खराब गाड़ियों को टुचैन कर दिया, बीमार मरीजों को अपनी गाड़ियों में रवाना किया, सियाहों और मुसाफिरों में पानी और जूस तकसीम किए। कत्ल जैसे संगीन मुकदमा में मतलूब 3 मासूम अफराद का खतरनाक कातिल और इश्तहारी मुलजिम राजनपुर सदर पुलिस ने पकड़ लिया। बदनाम जमाना कातिल मुलजिम 2018 से पुलिस को मतलूब था। लॉकडाउन खत्म, पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तमाम स्कूल्स 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नजीर बट का सहीवाल से ट्रांसफर हुआ, तो बार एसोसिएशन ने सहीवाल आने पर उनको बुग्गी में बैठाया और बैंड बाजू में लेकर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर चली तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर कैंसिल करके OSD बना दिया।